नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडौरी जिले में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। कहने को तो प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम का गृह जिला है, पर उनके ही विधानसभा क्षेत्र करंजिया के विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल उमरिया में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को छाते के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। हालत ऐसी है कि जिस कमरे में हायर सेकेंडरी की 11वीं और 12वीं की क्लासे लग रही है, वहां प्राथमिक शाला के पुराने जर्जर कमरे हैं, जिनकी छत से बारिश का पानी टपकता है और छात्र छत से टपकते पानी से के लिए छाते लगाकर बैठे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि कमरे के फर्श पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है। ये छत इसलिए लगाए हूँ क्योंकि यहाँ पानी बरसात के कारण स्कूल में पानी टपक रहा है। सर छत लगा के बैठने के कारण ये है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मेरे क्लास में पानी टपक रहा है, इसलिए हम लोग छत लगा के बैठे। हाई स्कूल 2009 से संचालित है और यूनियन 2018 से हुआ है, जिसमें अभी के स्थिति में 470 बच्चे हैं, 470 बच्चे हैं जिसमें बैठने का प्रॉब्लम हो रहा है। हाई स्कूल के लिए व्यवस्थित है हमारा ये बिल्डिंग, लेकिन हाई सेकेंडरी के लिए स्कूल कमी पड़ रहा है जगह। इस वजह से एसी साहब से हम एक परमिशन लिए थे कि दो पालियों में स्कूल लगाने का, जिसमें से माध्यमिक शाला के हेडमास्टर हमको नहीं दे रहा है रूम, और वो एसी साहब का आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है, जिससे हमको बहुत समस्या जा रहा है। डिंडौरी से ब्यूरो रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।